गाइस, आज हम दिखाएंगे आपको सीमेंट और सैंड की मिक्सचर कैसे बनती है। पहले हम लोग सैंड और सीमेंट को मिक्स करते हैं, फिर उसमें वाटर ऐड करते हैं और वाटर को सही क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। जैसे कि आप सैंड को ले सकते हैं, सैंड और सीमेंट का रेशियो होगा 1:4। यदि आप इसको वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, यदि आप इससे कंक्रीट प्लास्टर करना चाहते हैं तो 1:3 का रेशियो डाल सकते हैं। उसके बाद पानी का सही क्वांटिटी आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इस मिक्सचर को मिक्स करना होगा। देखिए, इसमें हम लोग पानी का सही क्वांटिटी अभी ऐड हो चुका है। इसके बाद हमें मिक्स करना होगा। सीमेंट और सैंड की मिक्सर में जब वाटर मिक्स कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से उसे कुदार फावड़े से स्पेड से हम लोग मिक्स करते हैं। देखिए, धीरे धीरे हम लोग उसको फिल करते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक टाइल्स टूट गया है, उसको हम लोग कंक्रीट जो बना रहे हैं उसी का यूज करेंगे। सैंड का जो मिक्सचर है उसको हम लोग यूज करते हुए एक ट्रेन भी आ चुकी है। अभी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं और यहीं पे ट्रेन भी आ चुकी है। देखिए, कितना अच्छा सा मिक्सर बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। उसमें सही से क्वांटिटी में पानी को मिक्स करने के बाद देखिए धीरे धीरे हम लोग साइड से जो सीमेंट और सैंड का मिक्सर है उसको ऊपर की ओर डालते जा रहे हैं ताकि वो पानी में एब्जॉर्ब करे, पानी को एब्जॉर्ब करे और हमारा सीमेंट मिक्सर तैयार हो जाए। देखिए, ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हम लोग, प्लेटफॉर्म पे ही आज हम लोगों का रिपेयरिंग का काम हो रहा है। कुदाल से मिलाने के बाद अब थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे धीरे जो हैंड क्लीनर होता है उसको यूज करते हैं और उससे मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा मिलाना पड़ता है कि एक ही बार आप मिलाएंगे तो पानी बाहर की तरफ बह सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे सीमेंट सैंड मिक्सर को मिक्स करना होगा। देखिए, कितनी बारीकी से काम किया जा रहा है। आपको तो बारीकी से काम करना पड़ेगा तभी आप अच्छा मिक्सर बना सकते हैं। जब अच्छा मसाला बनेगा तभी आप अच्छा जुराई या आप अपना रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। अब जब पानी एब्जॉर्ब कर लिया है मसाले में तब उसको हम लोग कुदाल से मिक्स करते हैं। अब देखिए, इसको मिक्स किया जा रहा है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब मिक्स हो जाने के बाद ये तैयार हो जाएगा हमारा मिक्सर, ये प्लास्टर मसाला तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की काम करेंगे। देखिए, कितनी बारीकी से मिक्स किया जा रहा है। अब जितना अच्छा मसाला बनाएंगे उतना ही अच्छा काम करने में आपको मज़ा आएगा, आपको काम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से प्लास्टर भी कर सकते हैं, रिपेयरिंग का काम, टाइल्स का काम, जो भी करना हो आपको। एक अच्छा मिक्सर सीमेंट सैंड का मिक्सर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, कितना बारीकी से काम किया जा रहा है। जो बड़े बड़े ग्रेनाइट्स रखे हुए, इसी ग्रेनाइट्स को यूज़ करके हम लोग जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म पे टूटा हुआ ग्रेनाइट है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और प्लेटफॉर्म को चकाचक बना के बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म को बना देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे और देखिए आगे के प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। अभी मसाला बनाया जाता है, उसे मिक्स किया जा रहा है, उसे अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। अभी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन से उतरे हैं, अभी अब जा रहे हैं अपनी गंतव्य की ओर, अपनी बढ़ रहे हैं वो। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आगे के काम को दिखाते हैं। अभी मिक्स हो रहा है हमारा मसाला, बन रहा है अभी। देखिए, मसाला बनने के बाद ग्रेनाइट से हमने कुछ एरिया में अभी तक बना चुके हैं, कुछ एरिया में भी बाकी है, तो अभी हमारा काम चल रहा है। तो वेट करते रहिए, हम आपको और भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे काम का। टाइल्स या मार्बल का काम करना हो, ग्रेनाइट का काम करना हो, तो आपको मसाला ध्यान रखना होगा कि ये भुरभुरा टाइप का होना चाहिए, वो काफ़ी गीला नहीं होना चाहिए। देखिए, भुरभुरा रहेगा तभी वो लेवल हो पाएगा और आपका टाइल्स या ग्रेनाइट या मार्बल होगा जो भी, वो अच्छे से फिट बैठ पाएगा और आपका बहुत ही फर्श अच्छी तरह से बन पाएगा। ग्रेनाइट पत्ता है, वहाँ पर हम लोग मसाले को डाल रहे हैं, कुदाल से ले जा रहे हैं, मसाले से डाल रहे हैं, फिर उसको लेवल करेंगे हम लोग। उसके बाद ग्रेनाइट को वहाँ पर रखेंगे और उसको लेवल करेंगे, जो आसपास जो ग्रेनाइट्स लगे हुए हैं उससे उनका लेवलिंग किया जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि मसाला हमने बना लिया था, सीमेंट हमने यूज किया था श्री जंग रोधक सीमेंट। अब यहाँ हमने मसाले को लेवल कर रहे हैं, लेवल करने के बाद हम लोग इस पर ग्रेनाइट पेपर जो होगा उसको रखेंगे। इसमें ध्यान देना होता है कि जो भी कोर वाला एरिया होता है उसको हम लोग पूरा क्लीन रखेंगे, ताकि जॉइंट हमारा जो टाइल ग्रेनाइट का होगा वो जॉइंट अच्छे से बैठ पाएगा, एक दूसरे से मैच करेगा। तो देखिए बारीकी का काम होता है, इसको आप जल्दी जल्दी में नहीं कर पाएंगे, इसको अच्छे आराम से करना होगा, बारीकी से काम किया जाता है इस काम को। और इस काम को आप अच्छे से सीख लेते हैं तो हर रोज़ आप 1 से 2 हज़ार हर रोज़ कमा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है। यदि आप इस काम को सीखना चाहते हैं तो किसी सीखे हुए मिस्त्री के साथ काम कीजिए और आप सीख सकते हैं इस काम को। इस काम का डिमांड लगभग सारे शहर में, हर जगह, हर विभाग में काम होता है। कहीं भी आप कंस्ट्रक्शन का काम देखिए, अभी जोरों शोर से चल रहा है तो टाइल्स का काम, मार्बल का, जो आप ग्रेनाइट का काम करते हैं उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकती है। आप यदि ये स्किल सीख लेते हैं तो आपको हर रोज़ 1 से 2 हज़ार कमाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कहीं भी कमा सकते हैं। एक आपको